Many students, now we discuss uniform flow past a fixed infinite circular cylinder. We have already dealt this problem using cylindrical polar coordinates. Here we use the concept of complex potential. Velocity potential due to undisturbed uniform stream having velocity minus ui cap is ux, means u into real part of z. अगर आपका analytic function है तो corresponding complex potential f of z क्या हो जाएगा आपका uz. Thus f bar z bar means f of z whole bar. F of z क्या है uz whole bar means u bar z bar. ठीक है means which is equal to u into z bar. And so f bar a square by z means u into a square by z. With the cylinder mod z equal to a present by circle theorem. अगर ये प्रेजेंट है तो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल जो है वो आपका क्या बन जाएगा w is equal to f of z plus f bar a square by z outside the cylinder. ये है आपका कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल w means phi plus iota psi is equal to u into z plus a square by z. जस्ट हमने f of z और f bar a square by z की वैल्यू डाल दी. z को हमने पुट कर दिया r e iota theta where r is greater than equal to a because हम आउटसाइड द सर्कल बात कर रहे हैं. तो अब हम अगर इक्वेट करें रियल और इमेजिनरी पार्ट तो यहाँ से phi हमारे पास क्या आ जाएगा रियल पार्ट ऑफ w और साई उसका इमेजिनरी पार्ट. रियल पार्ट ऑफ w की वैल्यू हमने डाल दी ऐसे साई हमने निकाल दिया. तो जो पर्टर्बेशन टर्म है आपकी f बार a स्क्वायर बाय z मींस u a स्क्वायर बाय z दिस गिव्स द इमेज ऑफ द फ्लो इन द सिलेंडर एंड दिस इमेज प्रेजेंट्स अ यूनिफॉर्म लाइन डबलेट ऑफ स्ट्रेंथ u a स्क्वायर पर यूनिट लेंथ एंड एक्सिस इन डायरेक्शन i कैप. ठीक है नेक्स्ट है इमेजेस इन टू डायमेंशन. मैं अगर हम इमेज की बात करें तो फर्स्ट है इमेज ऑफ लाइन सोर्स इन प्लेन. ये थ्री डी में हम बात कर चुके हैं बिल्कुल सेम पैटर्न पे हमारा काम होगा यहाँ. अब यहाँ हमें इमेज की बात करनी है लाइन सोर्स की इमेज की प्लेन में. तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हमने क्या अज्यूम किया रिजिड इंपरमीएबल प्लेन जो है टू बी एक्स इक्वल टू जीरो एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ फ्लो एक्स वाई प्लेन. दस वी आर टू डिटरमाइन द इमेज ऑफ अ लाइन सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एम पर यूनिट लेंथ किस पॉइंट पर है एट पॉइंट ए जिसे कोऑर्डिनेट्स ए जीरो विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रीम लाइन ओ वाई. और हमने अब क्या किया लेट अस प्लेस अ लाइन सोर्स पर यूनिट लेंथ एट पॉइंट ए डैश कोऑर्डिनेट्स माइनस ए जीरो. ये एक दूसरे की इमेज बनेगी. अब द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ऑफ स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट पी ड्यू टू द सिस्टम ऑफ लाइन सोर्स इज गिवन बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एम लॉग जेड माइनस ए इस पॉइंट के कारण इस सोर्स के कारण और ए डैश के कारण माइनस एम लॉग जेड प्लस ए. इसको हमने सोल्व किया मीन्स माइनस एम कॉमन हो गया तो लॉग ए प्लस लॉग बी हो गया लॉग ऑफ ए इंटू बी. जस्ट हमने वैल्यू डाल दी जेड माइनस ए आर वन ई आयोटा थीटा वन और जेड प्लस ए आपका आर टू ई आयोटा थीटा टू क्योंकि ये जो आपके पॉइंट पी जो हमने ये कंसिडर किया हुआ है ये डिस्टेंस आपका आर वन है और ये आपका आर टू है. तो आर वन आर टू ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा वन प्लस थीटा टू. डब्ल्यू मीन्स फाइव प्लस आयोटा साई. यहाँ से हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इक्वेट किए तो साई की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस एम थीटा वन प्लस थीटा टू. इफ पॉइंट पी लाइज ऑन वाई एक्सिस अगर पॉइंट पी आपका वाई एक्सिस पे लाई करता तो ये पी ए और पी बी जो है ये पी ए और पी बी आपका क्या हो जाता सेम. हियर पी बी ये आपका एंगल मीन्स ये एंगल थीटा वन और थीटा टू एक्चुअल में ये बी नहीं ए डैश पॉइंट है मीन्स एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल पी बी ए. ठीक है ये जो बी पॉइंट है आपका ये जो पॉइंट है ये आपका थीटा वन और थीटा टू के बारे में बात कर रहा है मीन्स बी एक्चुअल में ए डैश पॉइंट है आपका. तो इसका मतलब पाई माइनस थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू क्योंकि जो एंगल पी ए ए डैश और पी ए डैश ए ये आपके एंगल्स ये सेम होने का मतलब मींस पाई माइनस थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू मींस थीटा वन प्लस थीटा टू क्या हो जाएगा आपका पाई. दस पाई ये जो आपका साई है वो किसके इक्वल हो जाएगा फिर आपका माइनस एम साई विच इज कॉन्स्टेंट. इसका मतलब क्या शो कर रहा है कि वाई एक्सिस क्या है एक स्ट्रीम लाइन. इमेज ऑफ अ लाइन सोर्स ऑफ अ स्ट्रेंथ एम पर यूनिट लेंथ एट पॉइंट ए इज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एम पर यूनिट लेंथ एट ए डैश. और इन अदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं कि जो इमेज है लाइन सोर्स की विद रिस्पेक्ट टू प्लेन क्या आएगी एक लाइन सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ इक्वल स्ट्रेंथ जो कहाँ सिचुएटेड है ऑन अपोजिट साइड ऑफ द प्लेन एट एन इक्वल डिस्टेंस.
नेक्स्ट है इमेज ऑफ अ लाइन डबलेट इन अ प्लेन, ये आप लोग खुद करोगे। आर्टिकल बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे हमने 3D में किया था। नेक्स्ट है इमेज ऑफ अ लाइन सोर्स इन अ सर्कुलर सिलेंडर, या फिर हम सर्कल में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, सॉरी, लेट अ लाइन सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एम पर यूनिट लेंथ बी प्रेजेंट एट पॉइंट सेट इक्वल टू डी इन द फ्लूइड एंड डी इज ग्रेटर देन ए, मीन्स आउटसाइड द सर्कल। लेट अस इंसर्ट अ सर्कुलर सिलेंडर मोड सेट इक्वल टू ए इन द फ्लूइड और कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल सिलेंडर के एब्सेंस में आपका माइनस एम लॉग जेड माइनस डी, और इंसर्शन के बाद सर्कुलर जो आपने मिलन थॉमसन सर्कल थ्योरम की थी वो यही की थी ना, तो उसमें क्या आ जाएगा अगर हम सिलेंडर को या सर्कल को इंट्रोड्यूस करते हैं तो परटर्बेशन पोटेंशियल आपका माइनस एम लॉग ए स्क्वायर बाय जेड माइनस डी, ठीक है। और एक्चुअल में जो ये डी है वो बाहर नहीं, इसके अंदर ये, इसको ठीक कर लेना, ए स्क्वायर बाय जेड माइनस डी है ये पॉइंट आपका, तो माइनस एम लॉग जेड माइनस डी माइनस एम, ये तो जस्ट सॉल्व किया हुआ है, ये तो यहाँ से हमने जो कॉन्स्टेंट है उसको इग्नोर किया। So we observe from equation 1 that complex potential represent a line source at z equal to d. और जो यहाँ से हम क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हैं और दूसरे से क्या बता पा रहे हैं, another line source at the inverse point z equal to a square by d पर and an equal line sink at center means z minus 0 हो गया ना at the center of a circle, ठीक है। Thus the image of a line source of strength m per unit length at z equal to d in a cylinder, क्या क्या आ गई उसकी इमेज, एक इक्वल लाइन सोर्स एट द इनवर्स पॉइंट टुगेदर विद एन इक्वल लाइन सिंक एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो इक्वेशन वन कैन बी रिटन एज, इक्वेशन वन को हमने जो ये आपके पास डब्ल्यू था, डब्ल्यू मीन्स फाइव प्लस आयोटा साई, इसके हमने यहाँ जेड की वैल्यू डाल कर रियल और इमेजनरी पार्ट को हमने सेपरेट किया ताकि हम कंपेयर कर पाए, यहाँ से फाइव और साई की वैल्यू लिख पाए। तो उसके बाद फाइव और साई की हमने जस्ट वैल्यू लिखी है, उसको हमने यहाँ सोल्व किया है। सोल्व करके हम ये बता रहे हैं कि यहाँ स्ट्रीम लाइन जो है वो क्या है, तो सर्कुलर सिलेंडर जो है वो आपकी एक स्ट्रीम लाइन आ गई, स्ट्रीम लाइन मींस देयर इज नो फ्लो अक्रॉस द फ्लूइड। नेक्स्ट इमेज ऑफ लाइन डबलेट इन अ सर्कुलर सिलेंडर, ये आर्टिकल आप लोग खुद करोगे बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे हमने 3D में किया हुआ था। उसके बाद ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं इसमें इसके, ये एग्जाम्पल्स आप लोग ट्राई कर लेना, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग पूछ लेना, बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।